बड़ी खबर रायपुर से। बस्तर में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी अपडेट राहुल गांधी के चुनाव प्रचार प्रसार से जुड़ी हुई। 13 अप्रैल को राहुल गांधी करेंगे बस्तर का दौरा, वहीं कवासी लखमा के समर्थन में करेंगे प्रचार। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं और पहले चरण में 19 अप्रैल को जिस सीट पर मतदान होना है वो इकलौती सीट है बस्तर की। वहीं अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी के पास जो छत्तीसगढ़ का समीकरण है वो भी यही बताता है कि बस्तर पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ है। तो इसी सिलसिले में बस्तर में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी और 13 अप्रैल को उनका ये दौरा रहने वाला है बस्तर का, जहां वो कवासी लखमा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वहां से उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 13 अप्रैल को बस्तर पहुंचेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी ने भी अब चुनाव का मोर्चा खोल दिया है, प्रचार प्रसार का मोर्चा खोल दिया है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी का ये अहम दौरा रहने वाला है बस्तर की सीट महेश कश्यप को बीजेपी ने वहां से उम्मीदवार उतारा है। लगातार सीएम विष्णुदेव साय दौरे कर रहे हैं, बीजेपी के भी आला नेता वहां पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी का भी अब ये अहम दौरा, राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर पहुंचेंगे, वहां के उम्मीदवार कवासी लखमा के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। और अब अगली बड़ी खबर कटनी से मिल रही है। कटनी में निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। फीस की जानकारी अपलोड ना करने पर 420 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला समिति ने जारी किया है ये नोटिस और जवाब न मिलने पर स्कूलों के खिलाफ होगी वैधानिक कार्रवाई। ये बड़ी खबर कटनी से। कटनी में निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां उन्होंने क्योंकि फीस की जानकारी अपलोड नहीं की थी, इसी सिलसिले में 420 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला समिति ने जारी किया है ये नोटिस और जवाब न मिलने पर स्कूलों के खिलाफ अब वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।